खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत, कृषि कानून में हो सकता है संशोधन। किसान बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 10 दिन से टिकरी बॉर्डर पर जारी है। इस बीच केंद्र सरकार और किसान संगठन के बीच बातचीत कर हल निकालने की कोशिश की जा रही है। आज पांचवें दौर की बातचीत चल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानून में संशोधन कर सकती है। परिवहन मंत्री शीला मंडल के बयान पर गरमाई राजनीति। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल के वीर कुमार सिंह पर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शिवहर जिला के करनी सेना में आज 0 माइल चौक पर परिवहन मंत्री का पुतला फूंका है और जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान करनी सेना के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार परिवहन को बर्खास्त नहीं करते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। भागने के दौरान बस की चपेट में आए उत्पाद कर्मी, मौके पर हुई मौत। कैमूर जिले में बस की चपेट में आने से उत्पाद विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग के द्वारा शराब को लेकर यूपी सहित अन्य राज्यों में वैसे शराब की गाड़ियां जिन्हें झारखंड, बंगाल सहित अन्य राज्यों में जाना होता है उस पर छापेमारी चल रही। गांधी मैदान में तेजस्वी के धरना देने पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक, धरना स्थल से हटाया सामान। किसान आंदोलन को लेकर राजद आज धरना देने वाली थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह हुई कि धरना की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी। सुबह से ही राजद कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुटने लगे थे। धरना को लेकर सारी व्यवस्था हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बड़े नेताओं को बैठने के लिए गांधी मूर्ति के ठीक नीचे दरी व माइक की व्यवस्था की जा रही थी। तभी जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और धरना स्थल से सामान को हटवा दिया। नीरज कुमार का तेजस्वी के धरने पर हमला, कहा छुपाना है उस किरदार को जो नकली है और जो दागदार का बेटा है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए बिहार के किसानों को भी आंदोलन में शामिल कर लिया है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व उनकी पार्टी के नेता व समर्थकों एवं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस व वाम दल पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने इस कानून के विरोध में धरना पर बैठेंगे। शादी के पांचवें दिन ही दहेज लोभियों ने दुल्हन को उतारा मौत के घाट। जिले में 2 दिनों के भीतर 3 हत्याएं। नालंदा जिले में महज 2 दिनों के भीतर 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों हत्याएं 2 नई नवेली दुल्हन की है और ताजा मामला बिंद थाना क्षेत्र इलाके के मदनचक गांव की है, जहां नई नवेली दुल्हन सुलोचना कुमारी की दहेज के खातिर ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर मौत के घाट उतार दिया है। गिरिराज का तंज, किसान के बहाने रोजगार तलाश रहे हैं तेजस्वी, जनता ने कर दिया बेरोजगार। नवादा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है और बिहार में 15 साल से एनडीए के शासनकाल में काफी विकास हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आने वाले समय में विकास की गति को और तेज किया जाएगा। बिहार में मिले कोरोना के 573 नए मरीज, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 573 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,85,041 हो गई है, लेकिन बिहार में फिलहाल 6,145 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें आज 24 घंटे के अंदर 6 लोगों की मौत हो गई है।
का नीतीश पटन कहा गोडसे को पूजने वाले पटना आए, उनके स्वागत में अनुकंपाई सीएम ने गांधी मूर्ति को कैद कर लिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र के नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन का ऐलान किया। उसकी अगुवाई में महागठबंधन आज यानी शनिवार को गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना देने वाली थे, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण पुलिस ने उनके धरना को रोक दिया। धरना को रोकने के बाद बड़े नेता नीतीश कुमार को कोसते नजर आए। वही बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ भी धरने पर बैठ गई है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।